काम किया तुम्हारा? मामा नहीं। क्या करते हो? फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ पे? फाइफेरु का नाल सरांट है। शादी को कितना अरसा हो गया तुम्हारी? तकरीबन 13 साल हो गए। कितने बच्चे तुम्हारे? 3। कितने बेटी बेटी? 2 बेटियां। ये बड़ा बेटा जड़ा है वो 8.5-9 साल का। कैसे तुमने अपनी बीवी को इतनी सफाकी से जला दिया? वो कहाँ पर मौजूद थी? बच्चे कहाँ पर थे? क्या किया था? मैं ये फैक्ट्री के साथ मैं फैक्ट्री का आया, घर गया, घर गया था किसी ने भी नहीं पता। घर मैं अपने ये ले गया, मैं आधे किसी रास्ते थानी नहीं गया। घर जी कोई बंदा मेरे मत्थे नहीं लग गया घर जाते, यानी कि मैं इवें भी गया भी जिमें एक बंदा चोरी जाता, किसी ने पता ही नहीं मैं किसी के मत्थे ना लगा। यानी कि तुम चोरी छुपे घर गए हो जब जलाना था उसको? हाँ जी, मैं घर गया, मैं पैर का खड़का भी नहीं होने दिता, मैं उनके मगरे जड़ा ना अंदर वड़ गया। उन्होंने ही पता लग गया, वह मंजी से विछावना विछाती पी जी, मैं उनकी कंड मगर खलो गया जहाँ उन्होंने मैं दस्या कि मैं 17 तरीक घर आवा। उनके जेन च यही भी उन्हें 17 नहीं आना घर, लेकिन उस दिन 7 तरीक से जी दिन मैं कर गया। मैं जल्दी अंदर गया जना उनके रंग उसलिए उड़ गया से भी जड़ा ना ये मैंने 17 दस रहा है, अचानक ये घर आ गया। इन हो सकता है पेट्रोल साथ लेके गए थे? जी मेरे को इतना बारे हाथ में था वो मेरे शॉप पर भेज से। फिर क्या किया तुमने? फिर जिसलिए अंदर उन्होंने मैं पूछताछ की, मैं उनके उत्ते सारी पेट्रोल सटिया अपनी बीवी पे। हाँ जी, जिसने पेट्रोल सटिया मैं उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की कि तुम उसमें पेट्रोल फेंक रहे हो, आग लगाने की नीयत से आए हो? मैं सर जी उनके उत्ते ही पेट्रोल फेंकने लग गया, उन्हें मेरे को बोतल खोली, इसलिए उन्हें मेरे को बोतल खोई गई, अद्धा गुंद उत्ते डुलिया उन्हें, बाकी बोतल मैं उवें रख दी, अद्धा गुंद उत्ते डुल गया पेट्रोल, कोई थोड़ा बहुत बचा सी मैं उवें रख दी बोतल। मैं हट के खलो गया, वो मंजी से बैठी हुई सी, मैं उन्हें तो थोड़ा जहा पिछे हट के तीली बाली, मैं उन्हें गल भी तू जो गलतियां की इंसान गलती का पुतला है, वो जानती गलती देखो जेड़ी भी हुई है ना, मैं तो बच्चों के सदके माफ कर देंगा। जब तुम घर आए हो बगैर बताए घर आए थे? तुम घर बगैर बताए उसको बगैर तक घर आए थे? हाँ जी। उन्होंने घर में कोई था? नहीं जी, कोई नहीं था। कोई नहीं था। मनसूबाबंदी के साथ अपनी बीवी को जिंदा जलाकर कत्ल करने वाले शख्स के लिए बेरहम जालिम जैसे लफ्ज छोटे और बेमानी लग रहे थे। और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस शख्स के पास कोई दलील थी ना कोई सबूत, नदामत थी ना शर्म, कुछ था तो सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम आपका बुलंदा। तीली में जिले जलाई ना सर जी, तीली में उत्ते नहीं फेंकी, तीली में जला के पीछे खड़ा था, तीली में आधे पैर के थले सट लिए, तीली में बजा दी, ठीक है। दूसरी तीली जिले में बाली होंगे तो मैं दूर ही खड़ा था। कितने तहमल से ये सारी स्टोरी बता रहा है, कुछ भी हो जाए किसी भी शख्स को किसी भी सूरत किसी भी इंसान की जान लेने का हक नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम उसको डराते रहे, तिलियां फेंकते रहे तेल छिड़क कर, उस वक्त डर तो नहीं होगी काफी ज्यादा? हाँ जी। माफ करने की तुमसे वो बार बार दरखास्त भी कर रही होगी सर जी? ट्रोल तो सर जी उनके पहले पहले फेंक चुके थे तुम? हाँ जी। अच्छा, जिसले दूसरी तिली बाली ना उसले मत होते सर जी फेंक दिया? हाँ जी। आग लग गई उसके पूरे जिस्म? पूरे जिस्म को जी, जेड़ी मंजीत असि बैठे सा वो मंजीत पेट्रोल सारा किलर गया सी, वो पेट्रोल होंगी वही तो सारे कमरे जाग लग गए। भागे वहाँ से? भागे नहीं सर जी। हाँ, मैं अंदर ही खड़ा था, हमारे सामने वो जलती रही सर जी 2 मिनट दिए, यानी कि वाक्य 2 मिनट हमारे सामने आग लगी। जी बिल्कुल, उसकी वो बेचारी बिलक रही होगी, चीखे बेचारी की निकल रही होगी दर्द से, कर्ब से, अजियत से, और तुम सफाकियत से वहाँ पर खड़े रहे 2 मिनट तक। जिले अंदर तो निकला पे आंधी गुआंढी, यानी कि दोबारा निकलिया सी वो चीखा, जिले सनीजियां ने भज के आए ने, दरवाजा मेरा एवं अड़े ही खड़ा सी, उधर एक विंडो से उन्हें तो नहीं कर रहा, किसी पता लग गया भी अंदर घरोला, चीखा जो सनीज रही थी, वो इन्नी देर भज के आए ने, दरवाजे ने उन्हें धक्का मारिया, दरवाजा खुल गया इन्नी देर। कोई नदामत नहीं इसको कहीं पर भी, इसको किसी किस्म का एक जिंदा इंसान इसने मार दिया है, और कोई और शख्स नहीं था, 13 साल की एक 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 रिश्ता था अपनी बीवी के साथ, उसको उसने जला के इसने राख बना। अच्छा अब ये बताओ कि क्या मिला तुम इसको जला के? अच्छी गलती होगी फिर। गलती हो गई, एक छोटा सा लफ्ज, गलती हो गई। क्या तुम्हारी गलती मान लेने से जिस बाप की, जिस भाई की वो बहन है, जिस बाप की वो बेटी है, उनकी वो बेटी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। तुम्हारे बच्चों की माँ जो है, जिसने अपने 3 बच्चों को पाला पोसा, उनकी उनको वो उनके साथ जिंदगी गुजार रही थी, क्या उन बच्चों की माँ वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। अपने लिए क्या सजा चाहते हो तुम?
ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ ਕੋਈ ਓਏ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਚਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਜਬ ਤੁਮ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਜਬ ਤੁਮ ਉਸ ਪਗਡੰਡੀ ਪਰ ਚਲ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਜਬ ਤੁਮ ਘਰ ਮੇ ਗਏ ਜਬ ਤੁਮਾਰੀ ਬੀਵੀ ਤੁਮ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਥੀ ਅਕੇਲੀ ਥੀ ਘਰ ਮੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸਮਝਾ ਲੇਤੇ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਜਬ ਖੁਦ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ ਉਸ ਕਾਮ ਕੀ ਹਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਔਰ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਪੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਉਸਕੇ ਹਮ ਮੁਨਸਿਫ ਬਨ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਸਰ ਜੀ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿਆ ਮਿਲਾ ਤੁਮੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀਵੀ ਤੁਮੇ ਜਲਾ ਡਾਲੀ ਜੀ ਤੁਮੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ